वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये खड़ी हमारे सेलेरियो 2022 ZXI वेरिएंट के साथ। इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं पहले वाली से, जो लुक है इसकी बिल्कुल डिफरेंट कर दी गई है। तो 2021 में आपने देखा होगा वो कैसी आती थी, और अब ये देखिए कैसी हो चुकी है एकदम लुक। और मैं और इसकी स्पेक्स को डिटेल में जानने के लिए शुभम को बुलाऊंगा। शुभम जी वेलकम है आपका चैनल में। हेलो वेलकम। सो इसमें जैसे रोहित जी ने आपको बताया कि इसमें जो एस्प्रेसो एंड ऑल्टो 800 को मिक्सर करके बनाया गया है इसको। सो इसमें जो फ्रंट में बेसिकली चेंजेस हुआ है, जो एक मारुति का जो एक करंट चलता है, जो सिंपलिसिटी चलती आ रही हो, वो ही इन्होंने इसमें कैरी फॉरवर्ड करी गई है। बट यहाँ इसमें कुछ दो गाड़ियों का मिक्सचर करके इसको डिज़ाइन करा गया है। जैसे फ्रंट ग्रिल होगी, ये एक मारुति की सभी गाड़ियों में एक सिंपलिसिटी को ही दिखाती चल रही है। बाकी जो इसके पुराने मॉडल थे, लास्ट मॉडल थे, इसमें सबसे बड़ा चेंजेस हुआ है कि इसमें फॉग लैम्प इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। मगर वो हैलोजन टाइप है, LED टाइप नहीं आया। बाकी जो हमारी हेडलाइट्स होगी है वो एक हमारी हैलोजन बेस्ड सिस्टम है और रिफ्लेक्टेड टाइप ही है। इसमें कोई LED वगैरह नहीं इंट्रोड्यूस करी गई है। सो हम बाकी अब आपको हम साइड लुक दिखाते हैं और क्या क्या उसमें और चेंजेस हुआ है। शिवम जी मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कि इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है ये मॉडल, ठीक है, तो इसमें कोस्ट कटिंग क्या की गई है? इसमें कोस्ट कटिंग काफ़ी लग रही है मुझे, जैसे आपने देख रहे होगी ये ZX वेरिएंट टॉप वेरिएंट होने के बावजूद में फॉग लैम्प नहीं है, तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? ये कंपनी ने इसकी कॉस्ट को ही रिड्यूस करने के लिए ही करा गया, बट मे बी उसमें वो चीज़ देनी चाहिए थी जिससे हमारे कस्टमर खुश होते। और ना इसमें कोई DRL दिए गया, मे बी इस मॉडल से टॉप से नीचे का मॉडल है हमारा, बट इसमें वो चीज़ दे चाहिए थी। क्योंकि जो कस्टमर है यार, जब टॉप मॉडल वेरिएंट के इसके 7.5 लाख रुपए इसके पे करेगा कस्टमर, तो उसको भाई कम से कम मारुति को इतना दे देना चाहिए था भाई, इसका फॉग लैम्प तो दे दे, ठीक है। तो भाई मुझे लग रहा है कि ऑल ओवर गाड़ी वैसे ठीक है, सोबर सी लुक बनाइए, बोल्ड लुक में है, कोई ऐसा नहीं है कि तिथे नक्श हैं इसके, बोल्ड शेप में एकदम। तो मैं आपको इसकी ऑल ओवर लेंथ दिखा देता हूँ। जो साइड लुक है इसमें आपको 3650 mm की इसकी लेंथ आ जाती है, और आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं, तो भाई इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है 170 mm की, जो ऑल्टो K10 से 10 mm अप्रोक्स ज़्यादा है। तो आप इसकी व्हील बेस की बात कर लेते हैं, जो व्हील बेस है भाई इस गाड़ी का, तो 2550 mm इसका व्हील बेस आता है। और अब इसकी टायर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, जो टायर प्रोफाइल में आपको दिख जाता है जी, इसमें 14 इंच का इसमें टायर मिल जाता है। जो टायर प्रोफाइल की प्रोफाइल दी गई है इसमें 165/170 दी गई है, ठीक है। और अब इसकी साइड शेप की बात कर लेते हैं भाई, साइड शेप में आपको इसमें एक तो जो टर्न इंडिकेटर है हमारे वो मिरर के ऊपर मिल जाते हैं, फेंडर पे नहीं दे गए हैं, चलो एक अच्छी बात है भाई। कीलेस एंट्री मिलेगी वो आपको टॉप वेरिएंट में दी जाएगी, इसमें नहीं आएगी, ये यहाँ पे चाबी के साथ ही खुलेगा, ठीक है। और आप शेप देखो भाई, आगे से लेके पीछे तक की जो शेप है सारी वो बोल्ड दी गई है, कोई भी इतनी अट्रैक्टिव शेप नहीं है भाई, फिर भी भाई मारुति का नाम है, गाड़ी तो तब भी बिकनी है भाई। आइए तो आइए इसकी रियर प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे सेलेरियो की बैजिंग है और सुजुकी का लोगो दिया जाएगा, और इसमें आपको डिफोगर दिए गए हैं, और ये आपको पीछे का वाइपर लगा हुआ है। मैं आपको इसका अब स्पेस दिखाना चाहूँगा, ये देखो भाई मार्च के अंदर ये आ गया हमारा, इसमें कुछ एक्सेसरीज वगैरह जो टायर किट की होती हैं, ठीक है। और इसमें आपको 313 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस दिया जाता है, ठीक है ये भाई। और पीछे से कुछ गाड़ी इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। तो आइए हम इसकी रियर सीट पे जाके देखते हैं भाई कितना में स्पेस दिया जाता है। तो भाई पहले आप इसके डोर देखो, डोर इसका एकदम 90 डिग्री एंगल पे खुलता है भाई, कि प्रॉपर उतना 90 डिग्री नहीं है भाई, पर ये है कि भाई मच मोर स्पेस है, आराम से बंदा इजीली उतर सकता है और बैठ सकता है। तो भाई आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे तो 1 लीटर वाली आपको स्पेस मिल जाती है बोटल के लिए, ठीक है। और ये आपको इसमें सिल्वर कलर की इसमें फिनिशिंग दी है डोर हैंडल्स पे, और ये आपको यहाँ पे ग्रिल वाले यहाँ पे स्पीकर दिए, तो चारों स्पीकर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। और भैया मैं स्पेस दिखाता हूँ, ये जो सीट है जो को ड्राइवर सीट है ये पूरी बैक साइड है, और मेरी हाइट बता देता हूँ आपको, मेरी हाइट है 5.6 और उसके बाद मुझे स्पेस इतना मिल रहा है इसमें, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, एक तो भाई
जो नी रूम है वो मेरे पास काफ़ी है, और लेग लेग स्पेस के लिए जो थाई स्पोर्ट है वो भी अच्छा है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो थंप है वो देखिए, ये भाई थोड़ा बहुत तो यहाँ पे आएगा क्यों, पर ये कोई दिक्कत नहीं है, तीन बंदे आराम से इजिली बैठ कर जा सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएंगे, ठीक है, और चारों आपको पार विंडो मिल जाएंगी इसमें। हम इसकी फर्स्ट रो की तरफ आके देखते हैं भाई क्या क्या चेंजेस हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे इतना पैसा लगाने के बाद भी हमें डी कट स्टेयरिंग नहीं दिया जाता, सिंपल वही वाला स्टेयरिंग दिया गया जो पहले आता था। और यहाँ पे 5 मैनुअल फॉरवर्ड स्पीड अप को मिल जाता है गेयरबॉक्स, और ये आपकी हैंड ब्रेक आ गई यहाँ पे, ठीक है। और ये दो कप होल्डर है, और यहाँ पे कुछ स्पेस दिया गया है भाई, और ये आपको 12 वोल्ट का यहाँ पे चार्जिंग भी लगा सकते हो। तो भाई ये सिंपल सी गाड़ी है भाई, सब कुछ प्लास्टिक का मटेरियल है, और सिल्वर यहाँ पे फिनिशिंग दी गई है। और ये आपके मैनुअली यहाँ पे IRVM कंट्रोल से कंट्रोल होंगे, और ये आपको यहाँ पे रूफ लाइट्स दी गई है, ठीक है, सेंटर में नहीं आती, आगे आगे आएगी। और यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर दिया जाएगा जो विदाउट लाइट है, और यहाँ आपको टिकट होल्डर दिया जाएगा, यहाँ पे कोई लाइट वगैरह नहीं है। तो गाइस अब आपको गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं कि कैबिन में हमें कितनी नॉइज़ मिलती है अभी सुनने को, और आपको गाड़ी दिखा देता हूँ स्टार्ट है, RPM अप हो चुके हैं, ठीक है। और कैबिन में एक तो जो नॉइज़ है बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि ड्यूल जेट वाला इंजन है भाई, बिल्कुल कम नॉइज़ करता है, तो अभी आपको अच्छी एवरेज निकाल के देता है। तो बाहर जाके इसकी इंजन नॉइज़ सुना देते हैं, इसकी इंजन नॉइज़ मिलेगी आपको, बहुत ही साइलेंट इंजन है। सो दोस्तों हम आपको फ्रंट सीट का दिखाते हैं, फ्रंट साइड में इसमें क्या क्या दिया गया है। सो फ्रंट से हम देखते हैं, इसमें हमारे को आता है एनालॉग डिजिटल मीटर, इसमें फ्यूल गेजेस, RPM एंड टैकोमीटर वगैरह प्रोवाइड करा गया है। एंड इसमें देखो तो हम सारा एरिया जितना भी है इसमें सब कुछ हार्ड प्लास्टिक दिया गया है, बट चलो जस्ट सफिशेंट है इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग। बट मे बी इसमें अगर कुछ प्लेसेस होते हैं, जैसे यहाँ पे हैंडल वगैरह हो गया है, यहाँ पे हल्का फुल्का है, बाकी मैक्सिमम लोकेशंस है जो हमारी वहाँ पे इन्होंने हार्ड प्लास्टिक ही दिया गया है। ये इसमें हमारे का एज पर स्टैंडर्ड जो कंपनी देती है उसमें ड्यूल एयरबैग्स के साथ आता है। ये है हमारा इसका 2 DIN का म्यूजिक सिस्टम। सो इसमें यहाँ पे हमारे को यहाँ पे दिया गया है USB एंड ऑक्स का पोर्ट। यहाँ पे अगर जैसे लो फ्यूल इंडिकेशन है वो भी देखो, जैसे यहाँ पे भी अलर्ट दिखा रहा है, तो इस यहाँ सिस्टम पे भी MID में भी दिखाएगा, और यहाँ इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी दिखाएगा। बाकी जो इसके पावर विंडोज के कंट्रोल हो गए हैं, डोर लॉक एंड क्लोज का हो गया, वो स्विचेस सारे इधर दिए गए हैं। एंड जो इसके सबसे सरप्राइजिंगली क्या है, इसके अंदर दिया गया है कि जो रियर पावर विंडोज है उसका कंट्रोल इन्होंने सेंटर में दे रखे हैं, जो मेरे अकॉर्डिंग वो डोर पे दिए जाते तो ज़्यादा बेनिफिशियल होते, और जो इधर के कंट्रोल है सारे डोर्स के एंड विंडोज़ के वो ज़्यादा फार बेटर होते जो ड्राइवर डोर पे ही दिए जाते और अपने अपने डोर के अकॉर्डिंग दिए जाते। बाकी जो इसका हमारा ग्लव बॉक्स है वो जस्ट सफिशेंट है, बट कूल ग्लव बॉक्स नहीं आता, साइज वाइज जस्ट ओके। एंड जो हमारा इसके डोर्स आगे हैं इसमें 1 लीटर की बॉटल्स आ जाती है, करंटली अभी मेरे पास बॉटल नहीं है, अदरवाइज हम नेक्स्ट टाइम आपको जब इसके टॉप मॉडल के भी हम वीडियो दिखाएंगे तो उसमें हम आपको बॉटल के साथ टेस्ट करके दिखाएंगे कि इसमें कितनी आ जाती है, पर जो कंपनी क्लेम्ड आती है वो इसमें 1 लीटर बॉटल ही क्लेम करी जाती है। ये है हमारा जो म्यूजिक सिस्टम है, ये है 4 स्पीकर्स के साथ आता है। सो गाइज इसमें जो हमारी मिरर्स की एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे दी गई है, ये मिरर हमारे फोल्डेबल नहीं है बट एडजस्टेबल ज़रूर है। और ये हमारा आता है ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फीचर, जो यहाँ से उसका बटन ऑन एंड ऑफ करने का भी हमारे को दिया गया है। और जो यहाँ पे लाइट की बीम एडजस्टमेंट है वो हमारे को यहाँ नीचे दी गई है, यहाँ पे जितनी भी हमने ऊपर और नीचे करनी है तो उसकी एडजस्टमेंट यहाँ से दी गई है। जो टैंक की फ्यूल कैपेसिटी दी गई है इसमें 32 लीटर का, इसमें आपका पेट्रोल आ जाता है। तो इसकी तो इंजन की तरफ बढ़ते हैं भाई, इंजन आपको खोल के दिखाते हैं कैसा इसमें इंजन का कंपार्टमेंट है। बोनेट में आपको कोई इंसुलेशन नहीं दी जाती भाई इसमें, ये कोस कटिंग की है मारुति ने। और उसके बाद हम बढ़ते हैं इसके इंजन की तरफ, इंजन तरफ यहाँ पे देखो कवर वगैरह लगा हुआ है भाई, अच्छी बात है। और थोड़ा स्पेस खाली खाली सी है भाई यहाँ पे, जैसे बलिनों में थोड़ा स्पेस खाली खाली सा है, ऐसे एज इट इज सैलरी में भी किया गया है। ये इंजन प्रोड्यूस करता है हमें पावर 67 BHP और 89 Nm का टॉर्क, ठीक है, जो बहुत ही शानदार टॉर्क है। और 1 लीटर का इसमें इंजन लगा हुआ है भाई। तो ये कुछ इसकी हमने इंजन के बारे में बता दिया आपको, मैंने आपको जितना भी इसका इंटीरियर एक्सटीरियर दिखाया। तो इसकी अब आती है लास्ट में कंक्लूजन की बात। तो भाई अब इंडियन पीपल क्या करते हैं, उनको एवरेज से मतलब है, तो गाड़ी को हल्का किया गया तो इसकी 27 AIR कम क्लेम करती है इसकी एवरेज। तो पहले जो एवरेज आती थी हमें वो 23 देती थी। तो भाई इंडियन पीपल आपके लिए एक एडवांटेज हो गया, आपको इसमें अच्छा बेस्ट माइलेज मिल जाता है,
तो भाई वो डिस्कशन के लिए हम इसके और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं मैं शुभम को बताना चाहूँगा, फिर देखते हैं भाई इसमें और क्या क्या इसमें बेहतरीन मिलता है। सो जैसे रोहित ने बताया कि हाँ इसकी बेस्ट इन क्लास इन माइलेज आ चुकी है, बट हाँ जो पहले कंपेरेटिव ये और ज़्यादा हल्की हो गई है। सो आपको पता भी होगा कि इस ये जो पहले भी हार्टेक प्लेटफॉर्म पे आती थी और ये जो अभी नया मॉडल है ये भी अब हार्टेक प्लेटफॉर्म पे ही आया है। सो आपको पता है कि हार्टेक प्लेटफॉर्म का जो रिव्यू रहा है सेफ्टी के रिगार्डिंग वो इतना इम्प्रेसिव नहीं रहा है कि जिससे हम इसको एक ज़्यादा अच्छा कह देंगे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेस्ट हो, वो चीज़ हमें इतना अच्छा रिजल्ट कभी सुनने में आया नहीं है। बाकी हम ग्लोबल एनकैप नहीं है, बाकी इन फ्यूचर अगर इसका कभी क्रैश टेस्ट होता है तो हम आपको जल्दी से जल्दी उसकी भी वीडियो देंगे कि जब भी इसका क्रैश टेस्ट का रिजल्ट आएगा। बाकी है कि हाँ इसके कंपटीशन के कंपैरिजन में इसके एवरेज जो इसका मेन पॉइंट है वो एवरेज ही रहा है और एवरेज के रिगार्डिंग ये बहुत बेटर है। अगर कोई इसको सिटी ड्राइव करना चाहता है एक फोर पीपल्स के लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि थर्ड जो सेकंड रो है उसमें दो एडल्ट और एक चाइल्ड के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू थ्री बड़े पर्सन्स के लिए। सो आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं अगर कोई सिटी ड्राइव वगैरह के लिए लेना चाहता है, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा बड़ी है ना ही बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, तो आप सिटी ड्राइव में इसको इन्जॉय करेंगे। एंड अगर आप इसका सी एन जी वेरियंट लेना चाहते हो तो सी एन जी वेरियंट भी अब लॉन्च हो चुका है, तो आप सी एन जी वेरियंट भी दे सकते हैं। वो और बेस्ट इन क्लास एवरेज ही क्लेम कर रहा है इसके अंदर। जैसा कि शुभम ने हमारे साथ डिस्कस करी बातें, मुझे देखना जैसे कि आप कह रहे हो इसमें क्या कहते हैं एवरेज का आपको क्या लगता है जिसमें 26-27 का एवरेज है उसके लिए पीपल इसकी तरफ बढ़ेंगे या और ऑप्शन है मार्केट में, मान लो बलिनो भी इसमें टक्कर में आ जाती है, उसका बेस मॉडल आ जाता है, स्विफ्ट आ जाती है, और भी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो मतलब कि जो बंदा इस पे जेड एक्स आई वेरियंट पर इतने पैसे खर्चेगा तो बंदा और भी कंप्लीट गाड़ियाँ आती है, टाटा की आ जाती हैं, काफ़ी गाड़ियाँ हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? हाँ अगर ऐसा है कि अगर कोई पर्सन अगर सेफ्टी को ज़्यादा कंसर्न रख के गाड़ी के मूव ऑन करना चाहता है सो बेटर है कि हाँ वो टाटा को भी रिकमेंड कर सकता है। सो आप पहले हमारी मत मानिए, पहले जाइए इन दोनों की टेस्ट ड्राइव लीजिए, देन यू डिसाइडेड कि हाँ आपको कौन सी गाड़ी परचेज़ करनी है। अगर आपको ज़्यादा की ज़्यादा ही पंची इंजन चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पैसा और इन्वेस्ट करिए तो आपको इसमें स्विफ्ट भी आ जाएगी, इसके मे बी बेस और बेस से एक ऊपर का मॉडल भी आ जाएगा स्विफ्ट का। सो वो आपकी चॉइस बनती है। बाकी लुक्स है, लुक्स एक सब्जेक्टिव मैटर है, वो आपको किसी को पसंद आ भी सकती है किसी को नहीं भी आ सकती है, मुझे मे भी पसंद हो मे भी रोहित सर को ना भी पसंद हो, सो वो एक सब्जेक्टिव टॉपिक आ जाता है। तो वो आप देख के उसके अकॉर्डिंग, और एक मेरा एक सजेशन रहेगा कि कोई भी गाड़ी परचेज करो, परचेज करने से पहले आप उसकी सबसे मेन बात आ गई है कि उसको टेस्ट ड्राइव जरूर करके देखो, कि आप किसी के कहने मत जाओ हमारे कहने मत जाओ, पर पहले आप उसको टेस्ट ड्राइव खुद करो, आपको क्या फील आती है, देन यू डिसाइड कि आपको कौन सी गाड़ी परचेज करनी है। तो भाई हम दोनों ने आपको बता दिया भाई पूरा निचोड़ कि आपको ये जो सैलरी होने वाली है कंसिडर कैसे करनी चाहिए, जो सी एन जी वेरियंट में भी उपलब्ध है, पेट्रोल में आती है, डीजल में कोई ऑप्शन नहीं है। डीजल में जाने के लिए आपको इसके टाटा के पास डीजल है या तो हुंडई के पास डीजल है, ऑप्शन वो खत्म हो चुके हैं आपके पास, मारुति के पास सिर्फ एक मात्र है वो सिर्फ आता है पेट्रोल और सी एन जी, ठीक है। तो भाई ये था कंक्लूजन ऑल ओवर, तो जो शुभम और मैंने इसमें सब कुछ आपको डिस्कस कर बताया इसमें आपको लेने का आपके लिए कैसा है कैसे नहीं। ऐसा ही हमारे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और भी अगर आप हम दोनों को उस वीडियो में आप चाहते हो कि क्या रिजल्ट आप लेना चाहते हो कोई भी गाड़ी से, न्यू गाड़ी से या ओल्ड गाड़ी से, तो आप हमें मेल करके या आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करके आप अपनी गाड़ी का रिव्यू भी करवा सकते हैं। तो भाई बने रहेगा हमारी आने वाली वीडियोस के साथ, तो भाई थैंक यू सो मच। Kept buffering your message, no I'm not here for your show, wasn't asking, but I've been quitting while you're taking, I've been sipping cause I'm making, no regrets I'm not assisting, just gonna be what you were, I'm not missing you, yeah.